ऐसा है कि आज एक काम किया जाएगा, ठीक है। काम ये है टेस्ट लिया जाएगा, सरप्राइज टेस्ट। उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं होगा, बस केवल टेस्ट होगा सेल्फ असेसमेंट के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे? मैं बता रहा हूँ, सब सिस्टम बताऊंगा। उसमें आपको मेरा मैडम, उसमें कोई लीव ना करे, मेरी बात सुन लो, कोई पनिशमेंट नहीं होगा, ना स्कूल बोलेगा, ना आपके पेरेंट्स बोलेंगे। ये बस ये देखा जाएगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर सिखाया जाएगा, ठीक है। करेंगे क्या आप कि बस क्वेश्चन सॉल्व करके उसका स्नैप्स आप भेजेंगे, ठीक है। और इसके बाद से मैं आपको अभी सिखाऊंगा तो क्वेश्चन में पीछे से आवाज ना करो, ऊपर से आवाज आ रहा है, बोलिए, मना करिए उनको। इसके यहाँ से साउंड आ रहा है, उनको आप मना करिए, प्लीज साइलेंट। तो जो आज टेस्ट लिया जाएगा उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होगा, ना ये मार्क्स बेस्ट नहीं टेस्ट है, ठीक है। ये जो टेस्ट है वो अपने को चेक करना, उसमें अपने को चेक करना है कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सिखाया जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। इस टेस्ट का नाम होगा सरप्राइज टेस्ट। देखा जाएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा, आपको फिर से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसमें कोई आपको ना घर वाला डांटेगा, ना कोई स्कूल का टीचर आपको डांटेगा, ठीक है। ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, चीटिंग नहीं करना है। नहीं आएगा सिखाया जाएगा, ठीक है। बस आप इतना ही आपको ध्यान देना है। धीरज सिंह, कोई लीव ना करो। और आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है कि आप एक पेज ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का आपका पेज होगा, एक सिंगल पेज ले लीजिए, वन पेज, और ऐसे आपका कॉपी बना होगा पेज पे। ये लाइनिंग वाली कॉपी है आपकी, इस तरह से है ना, अभी सीख रहा है। तो इस पे अपना पहले नेम लिखिए, फिर व्हाइट वाले पोर्शन पे, जो व्हाइट वाला है ना आपका पेज के व्हाइट वाले पोर्शन पे अपना नेम, क्लास विद सेक्शन, जैसे आप 7C के स्टूडेंट हैं तो 7C, और एडमिशन नंबर। इस पे आपको नंबर नंबर नहीं दिया जाएगा, मार्क्स बेस्ड टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। इस पे आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये बस सेल्फ असेसमेंट के लिए रहेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 मिडिल पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस पेज के बैक साइड पे, बैक साइड ऑफ दिस पेज। और इसका आप स्नैप्स लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है ना, अभी भेजना है। और मैं आपको 10 मिनट टाइमिंग दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हो? नो सर। नो सर। 9 4 5 0 8 1
क्वेश्चन दीजिए सर. क्वेश्चन दे रहा हूँ. पहला क्वेश्चन राइट डाउन. दौड़ता है, दौड़ता है, इसके यहाँ से साउंड आ रहा है जी. सर नफीस आलम अंसारी. सर कल वाला नफीस आलम अंसारी. नशीफ आलम अंसारी. देखो भाई साउंड आ रहा है, अब नहीं आ रहा है. गुड हुआ है. नशीफ आलम अंसारी बहुत बढ़िया बच्चा है, एक बार में कहना मानता है. ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट का. सब्ट्रैक्ट, राइट डाउन, सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10. दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर टू मिडिल में लिखना है, मिडिल वाले में, पेज के मिडिल में. ऐड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉमा फिर वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27. सर प्लीज साइन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. E माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस पी. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. इसके घर से आवाज आ रहा है, मना करिए उनको. आई प्रोवाइड यू ओनली 10 मिनट. 12:20 टाइमिंग हो रहा है. 12:20. से लेके 12:35 पे सबमिट हो जाएगा. सर थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज हियर. कोई चीटिंग नहीं करेगा, बहुत ऑनेस्टी के साथ सब लोग सॉल्व करो. कोई पनिशमेंट नहीं, ना घर वाला बोलेगा ना स्कूल का कोई बोलेगा. डरने की भी जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, सीखना है. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes sir. Good boys and girls both. Start.
आपके घर से यार साउंड आ रहा है वेरी बैड। हो गया एनीवन सॉल्व जल्दी भाई सेंड करो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। सर हो गया आप उसका स्नैप्स मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। यस सर। दोज स्टूडेंट हु सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड द इमेज ऑफ योर सॉल्यूशंस in my WhatsApp. Okay, sir. एक बच्चे का आ गया। One student sent me. Name भी टाइप कर दिया करो उस पे। हिमांशु यादव सेंड मी। जो भी सेंड करे वो अपना नाम भी मेंशन करे क्लास विथ सेक्शन। भी स्टूडेंट सेंड कर रहा है नेम विथ सेक्शन नो नीड टू एडमिशन नंबर। स्नैप्स के साथ ही नेम भी मेंशन करिए ताकि कि मैं आपको बता दूंगा तुरंत कि किसका किसका आ गया। ये पता नहीं कौन बच्चा है क्यों पीछे से साउंड आ रहा है उनके घर से। दिस वेरी बैड always creating a disturbance. हो गया only one student send me that student is Himanshu Yadav. केवल एक ही बच्चा भेजा है अभी तक। one student more two student more but name is not mentioned. जय आदित्य वर्मा ये भी बच्चा भेज दिया। जय आदित्य वर्मा सर क्या सर सॉरी
हॉलिडे नहीं है, कल अभी पढ़ाया जाएगा, कल के बाद हॉलिडे। वन स्टूडेंट सेंड मी नेम इज सूर्यांशु चौहान, सूर्यांशु चौहान भेजा है अभी। जय आदित्य वर्मा, हिमांशु यादव एंड वन स्टूडेंट सूर्यांशु, अभ्यांशु यादव तो अभी सेंड ही नहीं किया, केवल नेम अभी टाइप कर रहा है। अभ्यांशु यादव इमेज सेंड करो भाई। आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजिए। हुआ अभी मैं इसको सिखाऊंगा तुरंत, जस्ट आफ्टर योर सबमिशन। अभी मैं इसको आपको बोर्ड पे, इस बोर्ड पे सिखाऊंगा, आप उससे अपना मैच करेंगे ईमानदारी से, तभी तो आपको आएगा कि आपको कहां डिस्टरबेंस हो रहा था, कहां पे आपको डाउट है। टेस्ट लेने का मेन पर्पस मेरा यही था कि आपका यदि डाउट है तो मैं आपको सिखाऊं। अभ्यांशु यादव अभी अपना नहीं सेंड किया। प्रदीप कुमार वर्मा सेक्शन बी सेंड किया है अभी जस्ट नाउ। पीयूष यादव सेंड किया है अभी, पीयूष यादव नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। अभ्यांशु यादव का मैसेज है, सर दो मिनट रुक जाइए। नहीं मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। खुशी गुप्ता इसने भी सॉल्व, हाँ भाई बोलिए। सर आपका तो व्हाट्सएप नंबर, सर फोन नंबर सेव कर रहे तो व्हाट्सएप वाला आ ही नहीं रहा है सर। आएगा, थोड़ा सा वेट करिए, मेरा नंबर सेव कर लो, तब फिर कुछ समय बाद आएगा। सर सेव किए हैं सर, इतने बच्चे तो सेंड कर रहे हैं, बताइए आप ही। एक बच्चा और भेजा है, नाम मेंशन नहीं किया है, कॉपी पे मेंशन है। अभिलाषा है क्या, क्या नाम है, अभिलाषा, अभिलाषा कुमारी है। लाशा सेंड मी जस्ट ना। आफ्टर 4 मिनट योर टाइम विल बी कंप्लीटेड, इसलिए आप जल्दी से सॉल्व करके भेजिए। जया सिंह सेंड की है, जया सिंह जीवन। और भी यार सेंड करो, तुम लोग यार बहुत बड़े गधे टाइप के लग रहे हो बच्चों, बी स्टूडेंट टाइप। टाइम ओवर हो जाएगा तो नहीं देखा जाएगा, तब उसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा।
बिंदिशा कुमारी भी सेंड कर दी। बिंदिशा साक्षी चौबे उसने भी सेंड कर दिया। उत्कर्ष प्रताप सिंह भी सेंड कर दिया। अभिषेक राय इसका अभी स्नैप्स नहीं आया। अब लग रहा है आ गया अभिषेक राय सेक्शन बी। उत्कर्ष प्रताप सिंह सेक्शन 7D ये भी सेंड कर दिया। एक गर्ल स्टूडेंट और सेंड किया दीक्षा चौबे। सूर्यांशु 7D सेंड कर दिया तो बहुत पहले भी सेंड किया था। टाइम इज योर ओवर। टाइम अब क्या हो गया ओवर। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं अब अपना मैच करो ठीक है बच्चों। अब अपना मैच करना है सब लोग अपना अपना मैच करें। पहले ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द बोर्ड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग अपना अपना मैच करो अपने से। तो फर्स्ट वी वांट टू रिमूव दिस ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ दिस माइनस साइन। इस ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है माइनस साइन के थ्रू। पी प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस पी। ये वाला चेंज जाएगा प्लस क्यू। ये माइनस क्यू अपने सेम प्लेस पे माइनस ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस क्यू और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप देखो ये प्लस साइन है माइनस साइन है तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या माइनस क्यू प्लस पी। ये भी सही है या ऐसे भी लिख सकते हैं पी पहले पी का साइन प्लस। यहां से आवाज आ रहा है किसके यहां से साउंड आ रहा है हा? बहुत बदमाश लड़का है भाई। सर मेरा चेक कर लीजिए। साइलेंट। अब नहीं किसी का चेक किया जाएगा। टाइम ओवर। पूरे दिन आपकी आंसर शीट लिया जाएगा क्या। अब मैच करो सेल्फ असेसमेंट करो अपने से। अब देखो मेरे वाले से मैच करो। ये पहले पी फिर इसके बाद से ये क्यू भी ऐसे लिख सकते हैं विथ साइन। या ये भी आंसर आपने लिखा है तब भी करेक्ट है। ये वाला भी नोट किया है तब भी करेक्ट है। कितने लोगों का सही है नाम बताओ। सर उत्कर्ष सर नीचे वाला जो सर सूर्यांशु सूर्यांशु का करेक्ट है। प्रदीप कुमार वर्मा सर प्रदीप कुमार वर्मा प्रदीप कुमार श्वेता यादव श्वेता यादव कौन यादव सर श्वेता श्वेता यादव गुड सर पीयूष यादव पीयूष यादव वेरी गुड सर सब यादव गुड। और कौन सॉल्व किया है इसका आंसर मैं सही है ना। मैं जय आदित्य वर्मा गुड।
और प्रताप सिंह से। नशीफ आलम अंसारी की क्या पोजीशन है? हफीज, जिसको नहीं आया है उसको कोई बात नहीं, फिर से सीखो, ठीक है? सीखने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। जिसको नहीं आ रहा है उसको क्या करना है? फिर से प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। जिसको नहीं सॉल्व करने आया वो फिर से ट्राई करेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे? ऐड करना है, ऐड। तो मैंने क्या बताया, ये कॉमा हटाएंगे और क्या रख देंगे यहाँ पे? प्लस। कॉमा रिप्लेस किया और क्या रख दिए? प्लस। सेकंड स्टेप कंप्लीट। ये अब हमारा क्या हो गया? सेकंड स्टेप। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर इसके बाद देखो, ये वाई का साइन यहाँ पे प्लस है और वाई का साइन यहाँ पे माइनस है, तो इससे ये हो गया क्या? कैंसिल। यहाँ पे वन का साइन माइनस है और यहाँ पे वन का साइन प्लस है, इससे कैंसिल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का साइन कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं? प्लस। प्लस। यहाँ पे एक्स का साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस होने के वजह से ये कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको नोट कर देंगे। तो पहले क्या बचा? माइनस वन। फिर यहाँ पे क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बचा? माइनस वाई स्क्वायर। यही आंसर आ गया। सर यहाँ से चौहान के माइक से आवाज आ रही है। वो अपने माइक को सही कर लेगा, कोई बात नहीं है। देखो सही हो गया, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हो गया। सर मेरा आंसर माइनस। सर आंसर चौहान का है। सर हाँ बोलो भाई। सर माइनस एक, सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन आंसर हो सकता है ना? ये भी हो सकता है। पहले इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस। फिर इसके बाद आता है वाई स्क्वायर। तो मेरा सही है वाई स्क्वायर। फिर तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है। साइन लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। साइन यदि आपका है टर्म के साथ तो वो करेक्ट है। ओके सर। कितने लोगों का सही है ये वाला भी क्वेश्चन? नाम बताइए। अरे मानसू यादव, प्रदीप कुमार वर्मा, उत्कर्ष प्रताप सिंह। उत्कर्ष प्रताप सिंह, मानसू यादव फर्स्ट पोजीशन, और आशीष यादव 3757, प्रदीप कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार, उत्कर्ष प्रताप सिंह। थर्ड नंबर पे बताओ जल्दी से। अश्वनी शर्मा सर। अश्वनी शर्मा मेरा भी सही है। पुष्टि गुप्ता सर। आदिति पांडे। आदिति पांडे थर्ड पोजीशन। और सर आशीष यादव 3757, यादव फोर्थ पोजीशन। सर मैंने आपको सेंड कर दिया एकदम करेक्ट टाइम पे। सेंड करने से नहीं होगा, नाम बोलने से होगा। सर खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता फिफ्थ पोजीशन। सर सूर्यांशु चौहान। सूर्यांशु चौहान सिक्स्थ पोजीशन। टेस्ट हुआ था देखा, पूरा सही था, पूरा एकदम। जल्दी बोलो, और किसका ये आंसर मैच कर रहा था? सर मेरा सा थोड़ा मिस्टेक है। कोई बात नहीं, मिस्टेक है तो सीखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? ओके सर। उसमें ये नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये थोड़ा सा इरेज हो गया था तो इसको मैंने लिख लिया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x है। अब इसको सीखते हैं, इसको कैसे मैच करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यू सी हियर सबट्रैक्ट एंड हियर इज फ्रॉम, देन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट वी राइट 5x माइनस 10, ये हो गया। फिर ये सबट्रैक्ट का सिंबल माइनस, फिर ये वाला जब नोट करेंगे तो ये किस में आएगा? ब्रैकेट में। तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 10 प्लस 10x, फिर ये माइनस 5। दिस इज योर सेकंड स्टेप।
थर्ड स्टेप में इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इस माइनस के कारण इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो इस माइनस के कारण अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज करते हैं 5x, फिर ये माइनस 10, 5x स्क्वायर नहीं ना था ये, नो सर 5x ही है, गुड। ये अंदर का साइन, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो माइनस 10x, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। प्लस, यहां तक आपको समझ में आया? बोलो। यस सर। आप देखो yes, पहले एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ गया। फिर देखो ये वाला और ये वाला सॉल्व करेंगे, तो पहले प्लस 5x, ये माइनस 10x, एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला लाएंगे माइनस 10, फिर ये वाला प्लस 5। इसको एक साथ रीड करेंगे, इन दोनों को एक साथ रीड करेंगे, तो यहां पे मिला क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे अपोजिट साइन, प्लस माइनस है तो अपोजिट साइन, तो पहले बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, ये वाला एक्स माइनस 5, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, तो 10 का साइन क्या है, माइनस, तो वी पुट हियर माइनस साइन। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो ये अपोजिट साइन है, तो पहले क्या हम करेंगे, जैसे ही अपोजिट साइन दिखेगा वैसे ही माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया तो yes. ये माइनस हो गया, तो माइनस कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर, तो ये नंबर बड़ा है तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस। तो देखो ये आया क्या, एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला स्टेप में लिख रहा हूं ये वाला, माइनस 5x माइनस 5, दिस इज योर आंसर। ये ब्रैकेट में नहीं, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, यस, ये आंसर हो गया। अब बोलो कितने लोगों का ये वाला भी क्वेश्चन सही है, सर खुशी गुप्ता, खुशी गुप्ता थर्ड पोजीशन इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी बोलो। जय आदित्य वर्मा नहीं बता रहा है, सर अनन्य सिंह सही है कि गलत है ये वाला, सर मेरा सही है, गुड। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस टेस्ट का सर मेरा गलत है, कोई बात नहीं, फिर से सीखिए, ठीक है, डोंट यस सर, डोंट सर, मेरा बॉस लास्ट का दो लाइन तो गलत हो गया है, लास्ट वाला उसको सीखिए आप, कोई बात नहीं है, फिर से सीखिए, ठीक है, सीखने के लिए आप बैठे हैं, मैं सिखाने के लिए आपको हूं यहां पे, आप मुझसे सीखिए और मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यस सर, कल भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, कल भी ऐसा ही टेस्ट होगा, यस, बिना मार्क्स वाला, विदाउट मार्क्स, विदाउट पनिशमेंट, बस केवल सेल्फ असेसमेंट करना है, कल भी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, ठीक है, एक्सरसाइज यही वाला रहेगा, एक्सरसाइज यही, यस सर, लीजिएगा कल टेस्ट, एक्सरसाइज यही रहेगा, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम रहेगा 12.2, ओके सर, क्योंकि आज सरप्राइज टेस्ट हुआ है, लेकिन कल के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज अलॉट कर दिया है, एक्सरसाइज 12.2, इसको आप रिवाइज करेंगे, इसी में से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट, ठीक है सर, टुमारो Held on. Yes, sir. Friday. Okay, sure. That is 13 November 2020. Yes, sir. Time will be here. Timing is your own period.
आप ही के क्लास में होगा, टाइमिंग वही रहेगा 10 मिनट्स, 3 क्वेश्चंस आर प्रोवाइडिंग बाय मी। कौन है? सर कल छुट्टी नहीं होगी धनतेरस की? छुट्टी नहीं होगी, पढ़ा लेने के बाद छुट्टी किया जाएगा, ठीक है? यस सर, पढ़ा लेने के बाद छुट्टी मिलेगी, पढ़ा लेने के बाद, कल पढ़ा लेने के बाद छुट्टी हो जाएगा दीपावली का। मैसेज जाएगा, मैसेज आपको कन्वे कराया जाएगा, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? आएगा सर, हाँ ग्रुप में जाएगा, गुड। नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर, नो सर। ओके थैंक यू। क्लास लीव किया जाए?